तब तक दिमाग में आया आइडिया कि आप सभी को गुड दीदी आ चुकी है और लग नहीं रही है कि दीदी है। देखिए दोस्तों, देखिए शर्म लाग रहो दीदी को, शर्म लाग। आज भूखी हैं, तीज का त्योहार किसके लिए? बेटे के लिए भूखा जाता है ना जी, जो कि है शिव मंदिर भगतपुरवा गांव का। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके रजनी कौशल में। और आज है 18 तारीख, 18 तारीख के दिन चेहरे में ऐसे ही बने। पिछला ब्लॉग में आप सभी ने देखा कि मेरे घर पे नए मेहमान का स्वागत हुआ है, तो कई लोग कंफ्यूज होंगे कि कहाँ मेहमान है, क्या चीज़ है। तो हमने एक EMI पे लैपटॉप खरीदा है, तो जो कि मैकबुक है, जहाँ पड़ा है एप्पल का है, तो वही नया मेहमान। तो चलिए, आज का दिनचर्या में ऐसे ही बने रहेगा। अभी बाबू दवाई खा रहा है, इसका चड्डी थोड़ा सरक गया। देखिए बाबू दवाई खा रहा है, दवाई खा रहा है, खा नहीं रहा है, बस बदमाशी कर रहा है। बाबू जलन है, हंसी छूट रही है, हंसी छूट रही है तुमको। आज देखिए थोड़ा बहुत सही है तो दवाई खा ले रहा है, नहीं तो खाता नहीं दवाई। चूटी काट दिया, ये उठो निको निको उठो, चूटी काट दिया। तो गाइस, आज जाने वाले थे गगन लेकिन नहीं जा पाए, कुछ जरूरी काम था, देखते हैं फिर कभी जाएंगे। और अभी हमारी वाइफ तो बैठे बैठे बोर हो रही हैं। बोलिए मार्गदर्शकों से। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग, जल बताएगा। और हमें छछुंदर की तरह, तो आप लोग कमेंट मत कीजिएगा कि छछुंदर की तरह नहीं, ऐसे का हम है छछुंदर आराम ना दोस्तों, छछुंदर दिख रहे हैं आप लोग को। अभी तैयार हो जाएंगे तो बहुत सुंदर लगने लगे, छछुंदर नहीं सुंदर है। और दोस्तों अभी वीडियो बनाएंगे हम तैयार होकर तीज वाला, तो आप लोग ऐसे ब्लॉग में हमारे बने रहिएगा, सर वीडियो खूब ढेर सारा आएगा, आप लोग जरूर देख रहे, ठीक है। जैन शूट तक ले बताए हमारी तरफ से। गाइस, आज है कौन व्रत हो, आज है तीज व्रत, तो हमारी वाइफ भूखी है सुबह से, तीज व्रत। ओए डायरेक्टर साहब, ओए म्यूजिक डायरेक्टर, इधर देखो म्यूजिक डायरेक्टर। डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका, ये म्यूजिक डायरेक्टर है जो समय समय पर गाने गाने लगता है ना जी। तो ये देखिए, ये है मेरी वाइफ, आप सब देख पा रहे, जैसे कि आप सबकी नजरें कमजोर नहीं है हम जानते हैं। और देखिए आज भूखी हैं, तीज का त्योहार किसके लिए? बेटे के लिए भूखा जाता है ना जी, बेटे के लिए भूखो जाता है, बेटा के लिए जीतिया। अच्छा, उसको जूतिया, तो कहाँ जाना है अभी? अभी दीदी के घर जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो दीदी भी तीज भूखी हैं। कहा जूतिया तीज हो, कौन सी भूख, तीज भूखी हैं, तो अभी हम लोग चल रहे हैं। फिलहाल यहाँ साड़ी इनका कैसा लग रहा है, किस साड़ी है? अच्छा, एक जना गिफ्ट दी थी वही साड़ी है, ठीक। तो साड़ी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है। अरे मेरा बाबू भी खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है। और शबनम भी खूबसूरत नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, ये भी इनका भी तीज का व्रत है। मंदिर पर जाने कहाँ मंदिर पे है? मंदिर पर ना पड़े गए ललितवान हूँ। जुतिया रहे ना? नहीं है, गई लेने पर साला, एक मतलब साल भर हो गए ले बुढ़ी के। जुतिया रहे, जुतिया रहे, जुतिया तो घर में मनाया जाला, लेकिन अगले साल हम तो ना गए।
बाबू का तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रहा है ना, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बाबू का तबीयत मर जा, कहिया 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 वीडियो बना चलाते गाल मरवा लेना। लगे बहुत तेज गुस्सा लगा था, एक वीडियो बना ली तब से। देवाऊ नहीं भाई भैया ला ओए भैया आई तो मैं बहुत हरामी लवंडी है। राज के बात किसी को नहीं बताना चाहिए ना बेटा, ये सब बहुत हरामी है औरत औरत। अपने मेहरारू के कब्बो राज के बात मत बताइयो। तो गाइस तीज त्योहार मनाने के लिए पहुंच चुके हैं दीदी के घर। तो तीज त्योहार कैसे नहीं, तीज की जीती हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं बार बार, तो हम बच्चों को लेकर सब लूट पड़े हैं। तो यहाँ देखिए अभी हमारा लग रहा है वीडियो थी कब आ रहा है, हमारा वीडियो चल रहा है यहाँ पर देखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये साड़ी किसी सब्सक्राइबर ने दिया था, तो कैसा लग रहा है आप सब कमेंट करिए, और नहीं कमेंट करना है तो दूसरी साड़ी दीजिए। अरे हमको ना पसंद आता दूसर था भाई, हमारे जो रही तो उन्होंने पहन। तो अभी सब कोई मंदिर पर जाने के लिए तैयार हो चुका है, काफी समय लगा है, लगभग 2 घंटे लगे हैं। तो चलिए सबको बुलाते हैं, पहले दिखाते हैं कौन क्या पहना, कैसे तैयारियां। देखिए दोस्तों बेल्ट हमारा दीदी के घर छूटा था, तो हमारा चड्डी बंडी सब सरक रहा है, और दीजिए बेल्ट हम पहन लें। तो अभी दीदी आ चुकी है और लग नहीं रही है कि दीदी है। देखिए आज दीदी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और जीजा जल्दी जा ना और नहा दो चला मंदिर पे। देखिए शर्म लग रहो दीदी को, शर्म लग रहा है। देखिए अच्छा फोटो खींचा ले, फोटो खींचा। कैमरा मैन फोकस करो, दीदी आ रही है, तीज भूखी है ना। आप फोटो खिंचा ला। अरे दीदी तन तक किया बहुरानी हाथ जोड़ रही है, बुलायल भटकल साइड थी हमारी छोटी दीदी है। हाँ सब शर्म लाग रो, आज देखिए आज ज्यादा खूबसूरत सब लग रहे हैं, इसीलिए भाव नहीं मिल रहा है। हाँ इसीलिए फोटो खींचना पड़ेगा, हमारा भाव मिल रहा है। तो सामने से जाते समय लाज लग रहा था, इसीलिए पीछे के रास्ते से सब निकल रहे हैं। अब इन कछु घटल बा। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं अभी मंदिर पे, जो कि है शिव मंदिर भगतपुरवा गाँव का। तो यहाँ तीज या जुतिया या जो भी फंक्शन होता है ज़्यादातर यहाँ मनाया जाता है। गांव का जो एक मंदिर होता है ना, तो वैसे ये भी एक मंदिर है नामियर। तो देखते हैं या इस, तो ये शहर है ना, तो इसकी वजह से इधर ज़्यादा पोखरा उखरी नहीं है, तो यहाँ छठ भूखा जाता है, छठ भूखने के लिए कढ़ा बनाया गया है। अब गाँव वालों की तरफ से या सरकार की तरफ से ये तो पता नहीं। मंदिर की इस बगल काली माता है। तो देखिए अश्विन भी आया है, चले चले अश्विन वीर जी निकालता ले, ले भी। ये सब खड़े खड़े रहे थे तो थक गए बिल्कुल, कमर दर्द करने लगा, तो यहाँ बैठ के सब थोड़ा सा रिलैक्स ले रहे हैं। फिलहाल इधर मंदिर है और सालू जी दौड़ दौड़ के पूजा कर रही हैं। तुम नहीं कर रही हो? नहीं कर सकती, ठीक है। अश्विन कहाँ है? अश्विन दिख रहा है, देखे अश्विन इधर देखो मोबाइल। अश्विन बुक 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 को छोड़ो, जल्दी छोड़ो अश्विन छोड़ो, हम जाएं। अरे छोड़ो छोड़ दा, चल लूँ छोड़ा
छोड़ा वीडियो बना ली, काम गई, काम के लिए थोड़ा सा छोड़ा, छोड़ो तक तो अभी पूजा पाठ हो चुका और जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंदूर लगाई हैं और लगाएंगी भी, तो अभी हमारी वाइफ नहीं लगाए हैं, देखते हैं कब तक लगाती हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हैं तो चुपके चुपके से देख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर की ओर, जो भी पूजा पाठ हो चुका, काफ़ी यादें आज हम लोग फोटो खींचे हैं, हम बहुत ढेर सारे यादें इकट्ठा की हैं आज। फोटो इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिल जाएगा या यूट्यूब पे ही, बारी बारी से सर लगा के शॉर्ट वीडियो बना देंगे, देख लीजिएगा। तो दोस्तों तीज का त्यौहार हो गया खत्म, अभी खत्म नहीं हुआ है, मनो पूजा पाठ जो होता है खत्म हो गया। हम लोग दीदी के घर से आ गए, यहाँ पर खाना ना खा के आराम से सोने जा रहे थे, तब तक दिमाग में आया आइडिया कि आप सभी को गुड नाइट बोलने एक बार, तभी ना सोएंगे, बिना गुड नाइट बोलने तो सोते नहीं है। तो मेरे बेटे को अभी दवा पिलाना, अभी रो रहा है तो प्रिया लेकर बाहर घुमा रही हैं, अभी उनको जगाना है, जगा कर दाई पिलाना है, चाय पी लेंगे, तबीयत उनका खराब था मेरे बेटे का तीन दिन से बहुत ज़्यादा, तो आज मनो ठीक है नॉर्मल है, लेकिन फिर भी दवा पिला देते हैं ताकि पूरा जर्द छोड़ दे, रो रहा है मेरा बेटा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम।